हर हर महादेव आप सभी साथियों को हर ताल का तीर्थ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज इस पुरुष में जानेंगे हर ताल का तीर्थ व्रत पूजा के लिए कौन कौन सी पूजा की सामग्री की आवश्यकता होती है। हर ताल का तीर्थ का व्रत हर साल भादु व्रत की शुक्ल व्रत की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस बार ये व्रत 6 सितंबर शुक्रवार के दिन होगा। सुहागिन महिलाएं ही नहीं कुंवारी कन्याओं के लिए भी ये पर्व महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी महिलाएं विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल बनता है और रिश्ते में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। पति के अखंड सौभाग्य और लंबी उम्र के लिए महिलाएं हरिताल का तीर्थ का निर्जला व्रत रखती हैं। अगर आप भी हरिताल का तीर्थ का व्रत रखने वाली हैं तो अपनी पूजा सामग्री में कुछ जरूरी चीज़ों को शामिल करना बिल्कुल ना भूलें। हरिताल का तीर्थ व्रत पूजा की सामग्री में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती और भगवान गणेश के लिए सामग्री का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हरिताल का तीर्थ व्रत रखने से पहले एक पूजा की सामग्री लिस्ट जरूर तैयार कर लें जिससे पूजा में किसी भी सामग्री की कोई कमी ना होने पाए और आपकी पूजा पूर्ण रूप से पूरी हो। पूजा करते समय किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए। तो आइए जानते हैं हरिताल का तीर्थ पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। पहले नोट कर लें हरिताल का तीर्थ पूजन की सामग्री। इसके लिए हमें चाहिए होगी गीली काली मिट्टी या बालू रेत कोई भी एक चीज और बेलपत्र के साथ समी पत्र और वस्त्र सभी प्रकार के फल एवं फूल और पत्ते के साथ श्रीफल कलश अबीर चंदन घी और तेल। इसी के साथ केले का पत्ता चाहिए और धतूरे का फल और धतूरे के फूल साथ में अंकाओं का फूल तुलसी मंजरी जनेऊ नाड़ा कपूर कुमकुम दीपक फुलहरा जो कि प्राकृतिक फूलों से सजा हुआ हो। ये हो गई हरिताल का तीर्थ पूजा के लिए सामग्री। और अब नोट कर लें माता पार्वती के लिए श्रृंगार के लिए कौन कौन सा सामान चाहिए। माता पार्वती के श्रृंगार के लिए हमें चाहिए मेहंदी चूड़ी बिछिया काजल बिंदी कुमकुम सिंदूर कंघी महोर और बाजार में उपलब्ध सुहाग कूड़ा आदि। और आप चाहें तो चुनरी और साड़ी माता पार्वती के लिए भी ले सकते हैं। और आप नोट कर लें भगवान गणेश की पूजा के लिए क्या सामान चाहिए। शिव गौरी के साथ इस दिन भगवान गणेश की भी पूजा अर्चना की जाती है। हरिताल का तीर्थ पर भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए फूल चाहिए नए वस्त्र बेलपत्र फल चाहिए नारियल चाहिए चंदन और जनेऊ के साथ में केले के पत्तों को एक थाली में जरूर शामिल करें। और अब जानते हैं भगवान भोलेनाथ के लिए जरूरी सामग्री नोट कर लें। भगवान भोलेनाथ के लिए चाहिए समी के पत्ते पान के पत्ते बेलपत्र और बांस के साथ में देवदार पत्र और भांग के पत्ते धतूरा कनेर केले के पत्ते और अशोक के पत्तों को जरूर अर्पित करना चाहिए। इन्हें चढ़ाने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। और इसके साथ ही पंचामृत के लिए जो सामान चाहिए वो नोट कर लें। पंचामृत के लिए चाहिए घी दही शक्कर दूध और शहद। ये हो गई आपकी हरिताल का तीर्थ व्रत की पूजा की सामग्री। आप इन सामग्री को पहले से ही मंगा करके रख लें ताकि पूजा के समय किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना होने पाए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। आप हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार को हरिताल का तीर्थ व्रत बहुत बहुत शुभ हो। हरिताल का तीर्थ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर सदैव बना रहे इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। दोस्तों आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम भी वह सोची सही गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है।
सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा साथ और सहयोग जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।